तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी गाड़ी मेरी कार में। तो आज हम पहुंचे हैं दोस्तों करनाल। तो आज की जो गाड़ी है बड़ी स्पेशल गाड़ी है और हाल ही में लॉन्चिंग हुई है, काफ़ी अच्छे फीचर हैं, काफ़ी डिमांड है और मिडिल किस बंदे के लिए सबसे बड़ी शानदार गाड़ी है। जो मिडिल है, कम बजट में है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट गाड़ी है। तो आइए जानते हैं गाड़ी में क्या फीचर है। जो आज की जो हमारी गाड़ी होने वाली है ना, वो है टाटा की पंच। ये जो गाड़ी है वो है टाटा की पंच। मेरे साथ सामने आप देख पा रहे हो कि टाटा की जो पंच गाड़ी है आज बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और बुकिंग की बात की जाए तो काफ़ी लंबी बुकिंग भी है इसकी। तो टाटा की पंच की बात करते हैं तो जानते हैं इसके फीचर्स और कैसी दिखने में है टाटा की पंच। तो बात करें फ्रंट लुक की, फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या फैसिलिटीज़ दी है, क्या ऐसा इसका लुक दिया है, टाटा ने जो गाड़ी दी है, इसको जो लुक्स दिया है वो दिया है टाटा की हैरियर का। टाटा की जो हैरियर गाड़ी आती है उसका डिज़ाइन टाटा को पंच में दिया है। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। तो टाटा ने जो इसके व्हील्स दिए हैं वो दिए हैं 16 इंच में। जो इसके व्हील्स हैं वो 16 इंच में हैं और अलॉय व्हील्स हैं। टाटा ने जो अपने मॉडल्स पेश किए हैं वो मॉडल पेश किए हैं 4। तो यहाँ पे इंडिकेटर दिया है इन्होंने, स्मूथ वाज है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, इसके डोर हैं 90 डिग्री ओपन होते हैं और आप इसके डोर को 90 डिग्री ओपन कर सकते हो। तो इसके अंदर की डैशबोर्ड काफ़ी शानदार है, फ्रंट का व्यू सारा दिखता है इसमें। तो करते हैं इसके बैक लुक की बात। टाटा ने डोर्स को ओपन करने का 90 डिग्री, और इसके ओपन करते हैं तो ये 90 डिग्री ओपन होते हैं। बात करें इसके बैक की, तो बैक में जो इसके लैंप दिए गए हैं वो टेल लैंप दिए गए हैं टाटा ने, काफ़ी अच्छे हैं देखने में। और ये है टाटा का बैच, टाटा पंच, काफ़ी अच्छा है। और अब इसकी बात करें इसकी डिक्की की, और काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है टाटा ने। बैक जो इसका स्पेस है काफ़ी अच्छा है दिखने में, काफ़ी अच्छा, काफ़ी सारी क्वांटिटी में आप इस यहाँ पर सामान रख सकते हो। तो अब चलते हैं टाटा के अंदर के लुक दिखाते हैं। और यहाँ पर भी एक वाइपर दिया गया है टाटा ने, अच्छा। टोटली मिला के देखे जाएँ लुक काफ़ी ही शानदार है। तो अब बात करते हैं अंदर की। तो डोर 90 डिग्री डोर है और देखने में काफ़ी कंफर्टेबल, सीट काफ़ी ही कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छी है। अब बात करें कि स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग पे बटन दिए गए हैं और आप कंट्रोलिंग करने के लिए बिल्कुल सेफ़ तरीके से आप बटन का यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है फीचर, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा है। ये पावर विंडो के ऑप्शन दिए गए हैं और जो कि काफ़ी अच्छे हैं। टाटा ने जो लुक दिया है यहाँ पे साथ में डैम्पर पे, बम्पर पे इसके वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जो कि काफ़ी देखने वाले तो काफ़ी अच्छा है। और ये हैंड ब्रेक हो गया, स्टीरियो हो गया। तो कुल मिला के गाड़ी काफ़ी अच्छी है और एक मिडिल केस बंदे के लिए तो काफ़ी अच्छी है। जो रीजनेबल, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, उनके लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे को गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, मैंने गाड़ी को चलाया, काफ़ी स्मूथ गाड़ी है, चलाने में भी काफ़ी अच्छी है। और मीटर है, काफ़ी अच्छा है देखने में, काफ़ी है। और आवाज़ की बात की जाए गाड़ी बिल्कुल स्मूथ है और आपको महसूस नहीं होगा, आप एक एक्सयूवी की फील करेंगे। और आम मिडिल आदमी इस गाड़ी को परचेज करके एक्सयूवी जैसी गाड़ी को, एक्सयूवी गाड़ी की फीलिंग महसूस करेगा। तो अब गाड़ी को लेकर चलते हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी में जो आवाज़ है, रूम बिल्कुल साइलेंट मोड की गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या है गाड़ी के अंदर, गाड़ी जो है वो 5-स्टार रेटिंग में है। टाटा को इस गाड़ी की 5-स्टार रेटिंग मिली है और काफ़ी अच्छी है, मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। बात करें इसकी पावर्स की, और ये गाड़ी जो है 3 सिलेंडर गाड़ी है।
काफ़ी कंफर्टेबल, जब हम बैठते हैं तो काफ़ी इसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और मैं इसमें बैठा हुआ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि मिडिल केस बंदा और किसी और गाड़ी को परचेजिंग देख रहे हैं तो फर्स्ट आप देखना चाहेंगे तो आप टाटा को पंच को एक बार ज़रूर देखें। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, खरीदने लायक गाड़ी है। तो अच्छा है, आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।